पिछले 24 घंटों में झारखंड में एकाध जगह पे बहुत ही हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है और खासकर तिलैया में 0.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान की बात करें तो 26.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में रिकॉर्ड किया गया और जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान है 9 डिग्री सेल्सियस गोड्डा के कृषि विकास केंद्र में रिकॉर्ड किया गया। बात करते हैं कि सिनोप्टिक फीचर का, तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में स्थित है जिसके कारण आज जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ झारखंड के हैं, उत्तर पश्चिमी भाग और उससे सटे हुए मध्य के जो भाग हैं उसमें एक आध जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और जो पश्चिमी विक्षोभ जो पहले से बताया जा रहा था कि 21 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ है जो सक्रिय होने वाला था, वो सक्रिय हो चुका है और वो पाकिस्तान और साउथ वेस्ट राजस्थान के बॉर्डर पे स्थित है और आने वाले दिनों में झारखंड पे भी उसका असर देखने को आपको मिलेगा। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की अगले 5 दिनों की, तो आज 21 तारीख को राज्य के उत्तर पश्चिमी तथा उससे सटे हुए जो मध्य भाग है वहां पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और तापमान की बात करें तो अगले आने वाले जो 1 से 2 दिन है वहां पे आपको न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और उसके तत्पश्चात जैसे ही ये सिस्टम खत्म होता है तो 26 सुबह से आपको जो तापमान में है उसमें आपको फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। 22 तारीख को राज्य के उत्तरी तथा उससे सटे हुए मध्य भाग में आपको एक जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। 23 तारीख में राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 24 तारीख को उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी तथा मध्य के कुछ भागों में आपको गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और 25 तारीख को जो पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी भाग में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के आने वाले जो 4-5 दिन है उसमें आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और खासकर जो महत्वपूर्ण दिन है वो 23 तारीख है जहां पे राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। 26 तारीख से मौसम साफ हो जाने वाला है, सुबह में कोहरा आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद से, और 26 से आपको जो मौसम है वो साफ हो जाने वाला है। और चेतावनी की बात करें तो 23 तारीख को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा मध्य भागों में गर्जन वज्रपात के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। तो खासकर अगर जो बात करें हम लोग तो जो संथाल परगना वाले क्षेत्र हो गए और जो मध्य वाले क्षेत्र हो गए वहां पे आपको ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिला के ये है कि आने वाले 4-5 दिनों में जो मौसम में तब्दीली है वो देखने को मिलेगी, पश्चिमी विक्षोभ का असर आपको देखने को मिलेगा और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और न्यूनतम तापमान में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जो अधिकतम तापमान है क्योंकि बारिश होगी उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो 26 तारीख से मौसम फिर से साफ हो जाने का संभावना जताया जा रहा है। धन्यवाद।